दूसरी जानी पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का 357वां इजलास हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने बजट 2022 की मंजूरी दे दी। अतसासा को कोरोना में खिदमात सर अंजाम देने पर एजाजिए की भी मंजूरी दी गई है। 25% डिस्पैरिटी अलाउंस के मामले पर गवर्नर का यूनिवर्सिटीज को इस्तस्ना देने का हुक्म। इजलास का अहवाल जान लेते हैं इमरान यूनस से। जी इमरान यूनस बताइएगा। जी पंजाब यूनिवर्सिटी सेनेट का 357वां इजलास जो है हुआ है और वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी चौधरी मोहम्मद सरवर गवर्नर पंजाब ने इस इजलास की ऑनलाइन सदारत जो है वो की है। सेनेट इजलास में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद समेत प्रो वाइस चांसलर और 150 सिंडिकेट के जो मेंबर थे वो शामिल थे। इस इजलास में जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सालाना बजट 2021-22 था उसकी मंजूरी जो है वो दे दी गई है और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पंजाब यूनिवर्सिटी समेत तमाम जामियात ने जो कोरोना के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया उसको स्पाइश की निगाह से जो है वो देखा है और वाइस चांसलर की दरख्वास्त पर गवर्नर ने असाजा को कोरोना वायरस में खिदमात सर अंजाम देने पर की मंजूरी जो है वो भी दी है, जबकि 25% डिस्पैरिटी अलाउंस के मामले पर गवर्नर ने यूनिवर्सिटीज को इस्तस्ना जो है वो देने का हुक्म दिया है कि जो यूनिवर्सिटीज अपने डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से जो यूनिवर्सिटियां अपने जराये से 25% डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो दे सकती हैं वो खुद मुख्तार होंगी, जबकि महकमा खजाना को इस्तस्ना देने की हिदायत जारी करने पर गवर्नर पंजाब जो है उनका बकायदा शुक्रिया भी वाइस चांसलर की जानिब से अदा किया गया है। जी शुक्रिया भी अदा किया गया। इमरान यूनुस हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री इम्तिहानात के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेरे इहतमाम इम्तिहानात 10 सितंबर से शुरू होंगे। पार्ट 1 और 2 के इम्तिहानात में 186,000 तलबा शिरकत कर रही हैं। इम्तिहानात के लिए 325 के करीब सेंटर्स कायम किए गए हैं, जबकि सेंटर में कोरोना SOPs का भी ख्याल रखा जाएगा। कोरोना के बायस हर सेंटर में 35 के बजाय 20 तलबा को बिठाया जाएगा। सुबह की शिफ्ट में कम बच्चों के पर्चे लिए जा रही हैं। कंट्रोलर इम्तिहानात का बताना है कि ज्यादा बच्चों के इम्तिहानात दूसरी शिफ्ट में मुनाकिद किए जाएंगे। सुपरवाइजरी स्टाफ को मखसूस रकम दी जाएगी। थर्मल गन, मास्क और सैनिटाइजर्स की सहूलत भी फराहम की जा रही है। पार्ट 1 और 2 के इम्तिहानात में 186,000 तलबा शिरकत कर रहे हैं। मजीद डिटेल्स लेंगे इमरान यूनस से। जी इमरान यूनस बताइएगा, 10 सितम्बर से इम्तिहानात का आगाज हो रहा है। जी पंजाब यूनिवर्सिटी के जरिए तमाम एसोसिएट डिग्री के इम्तिहान जो है वो 10 सितंबर से हो रहे हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी शोभा इम्तिहानात ने इस हवाले से तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं और रवा साल पार्ट 1 और पार्ट 2 के इम्तिहान में मजबूरी तौर पर 186,000 तलबा जो है वो शिरकत करेंगे, जबकि इम्तिहान के लिए कोरोना वबा के पेश नजर 325 के करीब सेंटर जो है वो कायम किए गए हैं। कंट्रोल इम्तिहान के मुताबिक सेंटर में कोरोना SOPs का जो है वो खास ख्याल रखा जाएगा। कोरोना के बाद हर सेंटर में 35 की बजाय 20 तलबा जो है उनको बिठाया जाएगा, जबकि सुबह के औकात में क्लासेस को देखते हुए सुबह की शिफ्ट में कम बच्चों को पर्चे के लिए बुलाया जाएगा, जबकि ज्यादा बच्चों के इम्तिहान जो है वो दूसरी शिफ्ट में मुनक्कद किए जाने का फैसला जो है वो किया गया है। कंट्रोल इम्तिहान के मुताबिक कोरोना SOPs दरामद के लिए सुपरवाइजरी स्टाफ को मखसूस रकम जो है वो दी जाएगी, जबकि सेंटर में तलबा को थर्मल गन, मास्क और सैनिटाइजर की सहूलत जो है वो भी फराहम की जाएगी। जी ठीक है इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका।